आपके जो सुपर चैट पैसे हैं जो मुझे आप सेंड करते हैं, सो उनमें से मैं आप लोगों की तरफ से कुछ पैसे जो हैं वो मैं दान कर रही हूँ। बेसिकली ये दिखावा नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ कि ये एक्चुअली आप लोगों के ज़रिए जो है वो मैंने दान कर दी है। श्रावण मास जो पूजा है उस पर हम आए हैं। बेसिकली ये हवन है और इस हवन पे आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिकली समीर के व्लॉग्स को आना था तो वो नहीं आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं। गाइस चेक करो यहाँ पर बेसिकली जो पानी है वो कितना प्यारा लग रहा है और यहाँ पे व्यू कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ग्रीनरी है यहाँ पर एंड जो है वो कश्तियाँ हैं और ऊपर से लोग फिश को जो है वो आटा डाल रहे हैं, परिंदों को गोश्त डाल रहे हैं। ये देखो मेरे बैक साइड पे कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से आप कश्ती में बैठ के अंदर जा सकते हो। दो दे दो, शुक्रिया। साइड में कश्ती नजर आ रही है, ये वाली कश्ती, इसके अंदर लोग बैठकर जाते हैं और ये कश्ती शायद स्वामी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की कश्ती है मेरे ख्याल से। तो मैंने ये वाले बिस्किट लिए हैं, 10 रुपीस का एक लिया, लड़का बेच रहा था तो मैंने उससे ले लिया। बना हुआ है और मतलब यहाँ पे लोग शायद रहते हैं जैसे कि स्वामी नारायण मंदिर पे रहते हैं। और ये मेरी बैक साइड पे देख रहे हो आप, एक बना हुआ मतलब पुराने ज़माने की गाड़ी है। मंगलसूत्र आप कितने का कह रहे थे? 150 रुपये का। ओके गाइस, तो ये मंगलसूत्र है और ये है 150 रुपये का और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। अच्छा, ये पाकिस्तान में बनता है या इंडिया में बनता है? इंडिया से मंगवाते हैं ना। अच्छा, ये इंडिया से आता है और बहुत ही यूनिक एंटिक लग रहा है देखो। और इसमें जो मोती हैं बेसिकली वो ब्लैक कलर के हैं, वैसे तो मंगलसूत्र में ब्लैक ही होते हैं। 150 रुपीज़ का, इतना महंगा तो नहीं है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में है और लास्ट टाइम भी आपने मेरा व्लॉग देखा था, रक्षाबंधन का मेरा व्लॉग देखा था जो कि हमने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में देखा बनाया था और विजिट किया था, सब कुछ मैंने एक्सप्लोर करवाया था। एंड इसके बाद एक आज हवन है बेसिकली, तो उसके लिए मुझे कहा गया था कि आप आएँ और आप आकर कवर करें। सो यस, टाइम है तो अभी क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं बाहर कि मंदिर के बाहर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं एंड परचेज़ करने को मिलती हैं एंड बाहर का व्यू कैसा है। सो उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे। ये साईं बाबा की पिक्चर है और इनके पास डिफरेंट कलर की बिंदी है। आप लग रहे हैं अभी अभी आए हैं, बना दुकान अभी अभी खोली है। कितने से कितने बजे तक बैठते हैं? 9 बजे तक बैठते हैं, रात के 9 बजे तक बैठते हैं और मंदिर की टाइमिंग ऑलमोस्ट दोपहर से ही स्टार्ट होती है। बस थोड़ी देर में होने स्टार्ट होगा ना, फिर मैं जो हेड हैं उन लोगों से हमने बात की है तो उन्होंने कहा है कि आप जो हैं अभी हमारा हवन स्टार्ट होगा तो उसके बाद आप अंदर आकर वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खाना खा रहे हैं? ये खाना खा रहे हैं? आप भी खाना खा रहे हैं? नहीं, थैंक यू सो मच, मैं खा कर आई हूँ। अच्छा, ये आपकी शॉप है? अच्छा अच्छा, काफ़ी अच्छी है, छोटी सी शॉप है। थैंक यू, आपने यकीनन अपने आप को भी देखा होगा। हाँ, आपने वो कलश वाला सीन, हाँ यहाँ पर जो कलश था, हाँ
जी, वो आपने आपने ही जाना सही। रेखा वो मेरी सगी मासी की बेटी। अच्छा वो मेरी दोस्त है। वो मेरी मासी की बेटी। रेखा जो है वो मेरी दोस्त है, वो मेरे साथ काम भी कर चुकी है। वो शादी भी मेरी मासी की बेटी की। अच्छा हो रही थी। अनिल जी हैं एंड इन्होंने व्लॉग्स देखे हैं और यहाँ पे हमने रिकॉर्ड भी किया था, यकीनन आपको याद होगा जो हमने कैलाश वाला, मतलब शायद मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ बट आप सही कर लीजिएगा, तो वो जो गोल्डन टाइप का था तो वो मैंने आपको दिखाया था कि ये इंडिया से आता है, तो वो इन्होंने ही इनकी ही शॉप से हमने बनाया था। सुकून है और हवा चल रही है और यहाँ पर पेड़ हैं और छोटी छोटी शॉप्स हैं, सो एक जैसे हम ड्रामों में देखते हैं ना सेम वैसे ही फीलिंग आ रही है। सो गाइस अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर सुना है बहुत खूबसूरत सजा है और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर जा रहे हैं। गुड़िया दिखाओ अपनी, इसके कपड़े तुमने सिए हैं? कपड़े खुद सिलाई किए हैं? ये दुपट्टा पहना है? अच्छा मैं आपका अलीशा तनीशा, सो इनका नाम तनीशा है और इनकी गुड़िया बहुत प्यारी है, छोटे छोटे सा दुपट्टा पहनाया हुआ है। सूरज जो है वो ऊपर सजाया हुआ है मल्टी कलर्स के साथ। जो है ना ये जो है और इसको हवन में ऐड करेंगे और इसमें खजूर वगैरह चीज़ें हैं और ये देसी घी हैं और वो चावल और फूल हैं। अभी जो है वो बेसिकली हवन की तैयारियां हो रही हैं, प्रसाद की तैयारी हो रही है, अंदर लोग जो है वो अपनी पूजा जो है वो कर रहे हैं और शिव जी जो है उनको दूध चढ़ाया जा रहा है और अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं, क्राउड होगा अभी, काफ़ी लोग आएंगे और मैंने सुना है कि ये फेस्ट मतलब हवन जो है आज का ये बहुत बड़ा हवन है। वैसे तो सारे ही मंदिर में आज हवन हो रहा है और एक दो और जगह पर भी कहा था कि वहाँ पर भी हो रहा है, वहाँ पर जाएं, लेकिन यहाँ पर हम आए हैं आज श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में। सो आज यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाऊँगी कि कितना खूबसूरत है। ये लोग प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं कि ये प्रसाद में क्या क्या बना रहे हैं। बिरयानी किस चीज़ की बन रही है? आलू चने की। अच्छा वहाँ पर बना रहे हैं, सही सही। तो डेली बनाते हैं आप लोग? हाँ वैसे ये वाला बहुत बड़ा प्रोग्राम है आज का, सही सही। ये सामने देखो कैसे सोया हुआ है, पूरा बिछाया कर लाइक बेड। मैंने कहा पानी के अंदर बेड कैसे बिछाया हुआ है? बेसिकली एक छोटी सी कश्ती है मेरे ख्याल से, उसके ऊपर एक से दो बंदे बैठ सकते हैं। और
बेसिकली मंदिर की कश्ती है, इनको अंदर जाकर पूजा करनी होती है, लाइक कोई चीज़ें अस्थियाँ वगैरह जो हैं वो बहानी होती हैं। तो मतलब इसी के थ्रू अपनी जो पानी के अंदर का जो करना होता है वो इसी कश्ती को यूज़ करके आगे जाते हैं। तो पर चैट सेंड करते हैं ना, तो ये उसी में से ही मैं जो अमाउंट है वो मैं आज कृष्णा जी जो हैं उनकी जो मतलब जिसमें पैसे दान करते हैं सो उस पर मैं उन पैसों में से आपके जो सुपर चैट पैसे हैं जो मुझे आप सेंड करते हैं सो उनमें से मैं आप लोगों की तरफ से कुछ पैसे जो हैं वो मैं दान कर रही हूँ। बेसिकली ये दिखावा नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ कि ये एक्चुअली आप लोगों की जरिए जो है वो मैंने दान कर दिए। उनमें आग लगा दिया और अब जो है वो देसी घी वगैरह ऐड करके तो अभी अगरबत्ती जो होती है उससे आग लगा रहा हूँ। और ये मैं फर्स्ट टाइम हवन देख रही हूँ लाइफ में, सो मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी वीडियो के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पर ये पौधे भी लगाए हुए हैं लोगों ने। जब मैं लाइव आती हूँ तो उसके थ्रू जितना भी आपने मुझे सुपर चैट सेंड किया है तो उसमें से मैंने जो है
आप लोगों के नाम पर मैंने दान किया है, मेरा राइट बनता है कि मैं आप लोगों के थ्रू यहाँ पर जो है दान में, दान बॉक्स में डाल सकूँ। सो आई होप कि आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं। रश हो रहा है, काफी लोग आ गए। स्टार्टिंग में आपने देखा था कि बिल्कुल लोग नहीं थे, मतलब बहुत कम लोग थे, हम बहुत जल्दी आ गए थे। मन के बाद यहाँ पर प्रसाद का भी, प्रसाद भी दिया जाएगा। प्रसाद में जो है वो बेसिकली खाने पीने की, लाइक उसमें बिरयानी है, चने की, आलू का सालन है और बहुत कुछ है। सो मतलब सारा वेजिटेरियन है। सनातन धर्म में लोग जो हैं वो उपवास रखते हैं। बेसिकली जो है फिर एंड ऑफ द मंथ जो होता है उसमें हवन करके, सावन मास हवन कर ये ख़त्म करते हैं। पाँव रखने की भी जगह नहीं थी और मुझे इतनी मुश्किल से हवन की जगह मिली। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर और लोग जो हैं वो आकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। फल फ्रूट और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह लगाया जाता है, तो सब इससे जो है वो अपनी पूजा करते हैं, हवन करते हैं और आग जलाकर उसमें जौ वगैरह डालते हैं और घी डाला जाता है। तो इस तरह से थैंक्स टू समीर, समीर के व्लॉग्स, उन्होंने मुझे, वो नहीं आ पाए एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साइमा जाएँ और जाकर जो है वहाँ पर ये फेस्टिवल को कवर करें। सो फ्रेंड्स, यकीनन आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।